दुनिया की सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बातें करने के बजाय एक दूसरे से बातें करें। ये सच है कि औरत में दर्द सहने की सकत है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो दर्द दिए जाने की मुस्तहिक भी है। अपनी जुबान को किसी के ऐबों से आलूदा मत करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और जुबानें दूसरे लोगों की भी हैं। गैर जरूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत तलुकात का सर कलम कर देती है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहें, वक्त खुदा आपकी गवाही देगा। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हद से ज्यादा वक्त और इज्जत दी जाए। कुछ पल बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल से नहीं मिला करती। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। अलाई आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में कुफर रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मोहब्बत खत्म हो जाती है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून बर्बाद कर देती है। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। इस सूखी छड़ी से बदतर है वो औलाद जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा ना बन सके। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज्ज़ज़ बना रखा है।